लता मंगेशकर आखिरकार कोरोना वायरस से लड़ते लड़ते जिंदगी की इस जंग से हार मान बैठी। लता मंगेशकर के गुजर जाने के बाद ऐसी स्थिति है अभी, पूरा देश इस वक्त ऐसी हालत में है। श्रद्धांजलि लता को अर्पित करते हुए पूरी दुनिया भर से जो उनके चाहने वाले लोग हैं उनके लिए दुख जाहिर कर रहे हैं। शोक में पूरा देश है। नए साल के शुरुआत में दूसरे ही महीने लता के गुजर जाने से हिंदुस्तान को सबसे बड़ी क्षति पहुंची है। भारत देश के इतिहास में लता मंगेशकर का जो योगदान है कभी भी नहीं भूला जा सकता। हिंदी सिनेमा जगत से लेकर तमाम विभिन्न भाषाओं में अपनी आवाज को बुलंद करने वाली लता ने 92 की उम्र में अपनी जिंदगी के जंग से हार माना। ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में लगातार 20 दिन से भी ज्यादा समय से वो इलाज करा रही थी। आईसीयू में थी वो, सांस लेने में उन्हें दिक्कतें थी, तमाम प्रॉब्लम से जूझ रही थी वो। कोरोना से वो पीड़ित थी, निमोनिया से वो पीड़ित थी। और इसके अलावा लता मंगेशकर के हेल्थ को लेकर डॉक्टर प्रतीश समधानी जो ब्रजकंडी हॉस्पिटल में सालों से उनका इलाज पहले भी करते आए हैं, उन्होंने कहा पूरी कोशिश की जा रही है लता को बचाने की। डॉक्टरों ने इस बारे में कहा कि ट्रीटमेंट में रिएक्ट कर रही थी वो, अचानक से सांसें थम गई। हालत परिवार वालों की काफी बुरी है इस वक्त। डॉक्टरों ने कल रात तक उनका इलाज किया था, कल रात तक वो इलाज की वजह से ऑब्जर्वेशन पर थी, इलाज जारी था। डॉक्टर प्रतीश समधानी ने पूरी कोशिश की थी लता को बचाने की। लता मंगेशकर को एग्रेसिव थेरेपी के अंडर रखा गया था, आईसीयू में ही भी थी। जी हाँ, आखिरी रात लता मंगेशकर की काफी दर्द भरी थी। वेंटिलेटर पर ना वो खुद से सांस ले पा रही थी, ना तो उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा किसी को बताई और ना ही आखिरी ख्वाहिश के बारे में वो किसी से बात कर सकी। लड़ते लड़ते कोरोना वायरस से, निमोनिया से वो आखिर में हार ही गई। आखिरी रात उनकी बहुत ही ज्यादा दर्द में थी, हालत बहुत नाजुक थी क्योंकि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी। दर्द सीने के उनके काफी समय से थे और सीने की समस्या की वजह से लता मंगेशकर की प्रॉब्लम जो है बढ़ गई थी। सुपरविजन में डॉक्टर ने रखा था लेकिन ट्रीटमेंट पर रिएक्ट के बावजूद लता सांस लेने में तकलीफों से हार बैठी और आखिर में जिंदगी से हार मानने वाली लता मंगेशकर को इस तरह होकर पूरा देश इस वक्त दुखी है, पूरा देश रो रहा है। आखिरी रात लता मंगेशकर आईसीयू में काटी है, ना वो किसी से बात कर पाई और ना ही परिवार से मिल पाई। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति रिपोर्ट।